दोस्तों, मैं हूं आरिस मेहरा। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल आरिस मेहरा में। तो मैं अभी आ चुका हूं सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे देखने को मिल रहा होगा, और यहां पर कुछ ज़्यादा ही बेरोजगार लोगों का भीड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड क्या पूरे देश में बेरोजगार की कमी नहीं है, बेरोजगार लोग बहुत बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक रोजगार मेले के सृजन का आयोजन किया गया है सेक्टर 5 बोकारो में, पुस्तकालय मैदान पर। तो यहाँ पर कुछ कंपनियाँ आई हुई हैं जो कि बेरोजगार लोग को रोजगार देने का अवसर प्रदान कर रही है। तो वही हम लोग भी आए हुए थे, क्योंकि हम भी तो बेरोजगार में ही गिनती आते हैं ना। तो इसीलिए मैंने भी एक दो फॉर्म भर दिया है, और देखते हैं कंपनी कब तक बुलाती है। जैसा होगा आप लोग को जरूर अपडेट मिलेगा। और सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी घुमाता हूँ यहाँ पर कितनी कंपनी आई हुई है। लगभग 20 कंपनी आई है, जिसमें से कुछ का मैं आप लोग को इंट्रो दिखाऊंगा। और यहाँ पर बोकारो के DC साहब आए हुए हैं, पीछे देखिए उनका स्टेज बना हुआ है, वहाँ लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ वहाँ का दृश्य। इसके बाद कुछ कंपनियों को दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ठीक है। उत्साहित करने के लिए और हमारे जो युवा भाई बहन है उनको उत्साहित करने के लिए हमारे उपायुक्त महोदय, विकास आयुक्त महोदय, बोकारो के DC साहब वहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर स्टेज बनाया गया है, और यहाँ पर पूरा जितने बेरोजगार हैं सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग कार्यक्रम है, कार्यक्रम का ब्रीफ जानकारी के लिए देख रहे हैं, जिस तरह जास, नवाड़ी, चंदन क्यारी, बेरमो वगैरह सब तरह सब जगह से लोग आए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हो रही है छोटी मोटी, और भीड़ आप लोग देख सकते हैं, भीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हैवी है। जैसा कि आप लोग देखिए भीड़ बहुत भरा पेटीएम का लगा हुआ है, 2 नंबर पे ये सब है, आप लोग देखते जाइए, मैं दिखाते जा रहा हूँ, भीड़ बहुत है, देख रहे हैं ना, रोजगार मेला, बेरोजगार बहुत है, रोजगार मेला में ही बेरोजगारों का दर्शन होता है। यही है, उधर देखिए, उधर क्राउड देखिए, देख रहे ना, अभी दिया है सनीतवा।
प्लेसमेंट के लिए आए तो उनको भी लाभ मिले। तो इस प्रकार तो यहाँ बेरोजगार मेला पे लंगर भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे, जो आप लोग बोलते हैं ना बड़ा रील में वायरल होता है कि भंडारा कहाँ लगा है, यहाँ लगा। देखो भीड़ देखो, भंडारा खाने सब आए हैं। तो अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कीजिए और भंडारा खाने आइए। चलिए आगे दिखाते हैं भाई कैसा है। हाँ तो खिचड़ी चोखा अचार, चलिए ठीक है भंडारा में सही है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से लगा हुआ, भीड़ देखिए अभी भी वहाँ पर बहुत है, जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हैं भर रहे हैं और बाकी जितने भंडारा खाने आए हैं देखिए खा रहे हैं। हम भी उसमें से एक हैं, भंडारा खाने के लिए आए। ज़्यादा नहीं लेना है नहीं तो चूने लग जाएगा। ये खिचड़ी चोखा बता लिया ना, चलिए लीजिए। तो देखिए यहाँ बेरोजगार लोग को आज भंडारा लगा हुआ था, जैसा देख रहे हैं आप लोग सब खा रहे हैं भंडारा, हम भी हैं इसमें शामिल। देखिए हम भी बेरोजगार हैं ना यार। तो देखिए क्या क्या है, खिचड़ी है, चोखा है, अचार है। यहाँ बोकारो में पुस्तकालय मैदान सेक्टर 5 में लगा हुआ है ये मेला, जैसा कि आप लोग देखिए वहाँ देखिए, पर लंगर मिल रहा है वहाँ पर, पहले खाइए उसके बाद नौकरी लीजिए। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ मैं, रोजगार मेला तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ खाने का भी आयोजन किया गया है। मेरे पीछे देखो लाइन लगे हुए हैं सारे, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं लाइन लगे हुए। ये कोई रोजगार का लाइन नहीं लगा हुआ, ये लगा हुआ है लंगर खाने का। तो अभी मैंने खा लिया है, आप लोग को दिखा दूँगा। बाकी भीड़ है बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे सिर्फ लंगर के लिए भीड़ है। और खाने का तरीका यार पूरा एकदम, आगे हॉल आपको दिखाते हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है सिर्फ लंगर खाने के लिए। चलो अब खा लिए हैं, अब फॉर्म वगैरह भी फिलअप कर दिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना यार। चलो ठीक है, बाय।